आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही है, किसी भी वजह से पति पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं रहते हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि घर में खुशहाली बढ़े, पति पत्नी के बीच प्रेम और बढ़े। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि शादी हो गई, शादी के पहले सब ठीक था, शादी के बाद पति पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, तो ये कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है? बहुत बार ऐसा होता है प्रवीण जी कि शादी के पहले पत्नी एकदम ठीक रहती थी, शादी के बाद से बीमार रहने लगी या पति बीमार रहने लगे, तो दोनों को समझ में नहीं आता है कि शादीशुदा जिंदगी का करें क्या। तो अगर विवाह के बाद पति या पत्नी का स्वास्थ्य लगातार गड़बड़ रहने लगे तो कारण क्या होता है? अगर पति या पत्नी में से कोई एक मांगलिक हो, दूसरा मांगलिक ना हो, तो जो मांगलिक नहीं होता है अक्सर वो बीमार हो सकता है। दोनों की राशियों के तत्व भयंकर तौर से अपोजिट हो, एक की राशि जल तत्व वाली हो, एक की राशि अग्नि तत्व वाली हो, तो समस्या ज्यादा हो सकती है। पत्नी का बृहस्पति अगर ज्यादा खराब हो तो ये पति के स्वास्थ्य के लिए भी बुरा होता है और पत्नी के स्वास्थ्य के लिए भी बुरा होता है। ऐसी स्थिति में दोनों का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला जाता है। पंडित जी, अगर पति पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता हो, ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य ठीक हो जाए? छोटे से उपाय हैं, अगर पति पत्नी अपने घर में करें तो दोनों का स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। पहला काम यह है कि अपने घर में हर मंगलवार और हर शनिवार को पति पत्नी मिल करके या जिसके पास समय है वो बैठ करके मंगल और शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करेंगे। पूजा के स्थान पर भगवान शिव और मां पार्वती का एक चित्र या उनकी एक मूर्ति रखेंगे। पत्नी नियमित रूप से तुलसी के पौधे में सुबह जल डालेंगी और रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएंगी। अगर ये उपाय नियमित रूप से किए जाएं तो इससे बहुत सारे फायदे तो होंगे ही, लेकिन पति पत्नी के स्वास्थ्य की जो गड़बड़ स्थिति है वो स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।